अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाई, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं और उनको जो है अपना अकामा का एक्सपायरी डेट यानी कि अपने अकामा का जो डिटेल्स होता है उसे चेक करना पड़ना है। तो बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं कि एक अपना अफसर पे भी चेक कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो है अफसर बना हुआ नहीं होता है और उनको पता ही नहीं होता है कि बिना अफसर के कैसे चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे जो आप अपना इकामा का पूरा डिटेल्स, आपका इकामा का नंबर क्या है, आपका इकामा कब एक्सपायरी होगा, ये सारा डिटेल्स जो है आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं वो भी बिना अफसर के। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए सीखते हैं कैसे हम लोग अपना इकामा का जो डिटेल्स है कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी बिना अफसर के ऑनलाइन। तो सबसे पहले क्या करना, चले जाना आपको क्रोम ब्राउज़र पे। चलिए यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे हम लोग आ गए। अब सिंपली आपको यहाँ पे चले जाना, लिख देना mol.gov.sa और इकामा एक्सपायरी डेट, तो इतना लिख करके आपको सर्च कर देना। अगर आपको लिंक ना मिले तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको लिंक भी शेयर कर दूँगा कमेंट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन दिखेगा, लेकिन हमारे जो काम का ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहला वाला जो ऑप्शन है इसी पे आपको क्लिक कर लेना। चलिए इस पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको जो है इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे भाई लोग का एक प्रॉब्लम भी हो सकता है कि हो सकता है यहाँ पे अरबी में पेज खुले। यहाँ पे मेरा जो है इंग्लिश में ही खुला है, अगर आपका अरबी में पेज खुले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा जो है सेटिंग का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अरबी इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह का है, मेरा इंग्लिश में ऑलरेडी, तो सिंपली क्या करना है आपको इस जगह पे देख सकते हैं कि लिखे हुए है टिक का बटन है, तो आपको सिंपली क्या करना है टिक पे क्लिक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आई नॉलेज अंडरस्टैंड अंडरटेक का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद कुछ जो है इस तरह का आपको जो है विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ सेकेंड आपको वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है पूरा चीज़ ओपन हो गया है। अब यहाँ पे जो है आपको क्या करना है कि इस जगह पे जो है आपको अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि इकामा नंबर फिल कर लेना है। चलिए हम लोग अपना इकामा नंबर यहाँ पे फिल कर लेते हैं। अब इकामा नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन दिखता होगा यहाँ पे, ये देखिए डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका इकामा पे डेट ऑफ बर्थ है उसी इकामा का जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे फिल कर लेना। चलिए हम लोग अपना डेट ऑफ बर्थ पे फिल कर लेते हैं, सिंपली इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद बहुत सारे भाई लोग का एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है हिजरी का है ऑप्शन, तो यहाँ पे अगर हिजरी हो तो इस पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एड एडी लिखे हुए, तो सिंपली क्या करना है आपको एडी पे क्लिक कर लेना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा चीज़ जो है इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, इस जगह पे जो है अपना साल सेलेक्ट कर लेना है। चलिए साल भी हम लोग पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मैं अपना जो है डेट ऑफ बर्थ का साल है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। अब सिलेक्ट करने के बाद इस जगह पे जो है आपको अपना मंथ सिलेक्ट कर लेना, तो चलिए हम लोग मंथ सिलेक्ट कर लें। तो मेरा मंथ ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स है तो मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे जो है मंथ में जो आप जिस दिन पैदा हुए थे यानी कि तारीख वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का जो है मेरा सारा चीज़ फिल हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो कैप्शन आपको दिख रहा है ये कैप्शन को जो है इस जगह पे आपको फिल कर लेना है, ठीक है। इस जगह पे आपको ये कैप्शन को फिल कर लेना। चलिए कैप्शन को फिल कर लेते हैं। कैप्शन को फिल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखता होगा द नेक्स्ट का बटन, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है द नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर लेना। चलिए नेक्स्ट के बटन पे अभी हम लोग क्लिक कर लेते हैं। अब क्लिक करने के बाद जो है कुछ आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का साइट थोड़ा सा स्लो रहता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे देख सकते हैं मुझे वेरिफिकेशन कोड आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वेरिफिकेशन कोड मेरा यहाँ पे आ गया है। अब ये वेरिफिकेशन कोड को जो है यहाँ पे इंटर कर देना है, तो चलिए इंटर कर लेते हैं वेरिफिकेशन कोड को। ये वेरिफिकेशन कोड मैंने इंटर कर लिया। अब वेरिफिकेशन कोड को इंटर करने के बाद अगर मान लीजिए कि आपका वेरिफिकेशन कोड नहीं भी आता है तो यहाँ पे रीसेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तब पर वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। लेकिन जिनका आ चुका है वो क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे इस जगह पे देख सकते हैं कि सेंड का बटन है, यहाँ पे सेंड के बटन पे आपको क्लिक करना। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर लेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का आपको जो है इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा चीज़ हमारा जो है शो कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीज़ शो करेगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं एकामन आपका फर्स्ट नाम शो कर रहा है, आपका नाम शो कर रहा है, सेकेंड आपका क्या टाइटल है वो शो करेगा, आपके फादर का नाम क्या है, आपका जो है इकामा नंबर क्या है,
यहाँ पे इस तरह का इतना चीज़ शो करेगा। उसके सबसे नीचे चले जाना है, नीचे में जाने के बाद जो है यहाँ पे अब आपको जो है मेन चीज़ जो शो करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आपका जेंडर शो कर रहा है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका शो करेगा, और सबसे नीचे में चले जाएँ तो यहाँ पे नेशनलिटी आपका शो करेगा। यहाँ पे जो है इस जगह पे जो है आपका एकामा नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे आपका एकामा नंबर यहाँ पे शो कर दिया है। अब यहाँ पे जो है आपका एक्सपायरी डेट कहाँ पे शो करेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे शो कर दिया है, इंग्लिश में भी और हिजरी में भी, दोनों में ही जो है आपका एकामा नंबर यहाँ पे शो कर दिया है। तो इस तरीके से जो आप बड़ी आसानी से अपना एकामा को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, बिना अफसर के आप अपने एकामा का पूरा डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, अपना ही नहीं किसी का भी, फ्रेंड फैमिली किसी का भी चेक कर सकते हैं जिनका अफसर नहीं बना हुआ हो, लेकिन उनका जो है अफसर पे उनका जो है नंबर जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि OTP उसी पर आएगा आपको। तो इस तरीके से जो है बड़ी आसानी से अपना एकामा को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, वो भी बिना अफसर के, और आसानी से जो है अपना पूरा एकामा का डिटेल्स जो होता है उसे चेक करके पता कर सकते हैं कि आपका एकामा का पूरा डिटेल्स क्या है, एकामा क्या है, एकामा का नंबर क्या है, एकामा का एक्सपायरी डेट क्या है। ये सारा चीज़ जो है आप इसी तरीके से आसानी से बिना अफसर के चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।